तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तो आपको पता ही होगा क्या है, आज है 3 सितंबर यानी डोराएमोन का बर्थडे। अब भाई आज हम जानेंगे डोराएमोन की टॉप 5 मूवीज जिन्होंने भर के पैसा कमाया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास के, चौम जल्दी से इंट्रो लगा दे। तो भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा आपने तो कर दो, और चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप डोराएमोन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो भाई जो नंबर 5 पे आती है उसका नाम है डोराएमोन द मूवी नोबिता एंड द बर्थ ऑफ जापान, और ये जो मूवी आई थी 2016 में। इसकी रेटिंग की बात करें तो IMDB की तरफ से इसे रेटिंग मिली है 6.7/10, जो कि अच्छी बात है। और बात करें तो इस मूवी ने कमाए हैं 5.84 करोड़ US डॉलर, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है। और इंडियन रुपीस में से कन्वर्ट करें तो होते हैं 2.13 करोड़ होते हैं, इससे भी ज़्यादा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवी की ओर, तो वो बताएगा आपको चौम। तो चौम भाई यार नेक्स्ट मूवी का बारे में बता। तो यार जो नंबर 4 पे मूवी आती है उस मूवी का नाम है नोबिता कॉनिसिकल ऑफ मून एक्सप्लोजन, और ये जो मूवी है 2019 में आई थी। तो यार सॉरी गाइस, इस मूवी का ढंग से नाम ना पढ़ पाया हूँ तो मैं, पर कोई बात नहीं यार, आप ढंग से पढ़ लेना इस मूवी का नाम, मैं ढंग से ना पढ़ पाया हूँ तो भाई ये जो रेटिंग है इसे दी थी IMDB की तरफ से, मिली थी 6.6/10, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है। अब बात करें तो इसने इनकम कितनी करी थी, वो करी थी भाई 6.6 करोड़ US डॉलर, और भाई इंडियन रुपीस में से कन्वर्ट करें तो 460 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमा लिए थे इस मूवी ने, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो लाइक बनता है यार, जल्दी से जल्द कर दो। तो यार जो नेक्स्ट मूवी का नाम है उसका नाम है डोराएमोन द मूवी ग्रेट एडवेंचर इन एंटार्क्टिका कैची कोची मूवी, और भाई जो मूवी है वो 2017 में आई थी। बात करें तो उसे रेटिंग मिली है 6.5/10 IMDB की तरफ से, और फिल्मा फिंटी की तरफ से मिली है 5.8, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है। अब बात करें तो भाई से जो इनकम हुई थी इसकी, वो हुई थी 6.54 करोड़ US डॉलर, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है। अब बात करें तो इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो होते हैं 263 करोड़ से भी ज़्यादा, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है यार, इस मूवी ने भी अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। तो यार जो नंबर 2 पे आती है उस मूवी का नाम है डोराएमोन द मूवी नोबिता ट्रेजर आइलैंड। अब बात करें तो इसकी जो एनिमेशन क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है और बहुत मजेदार है। तो भाई बात करें तो इसे जो रेटिंग मिली है वो मिली है 6.6/10 IMDb की तरफ से, और फिल्म एंटी की तरफ से 6। और बात करें तो इस मूवी ने इनकम करी है 8.80 करोड़, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 577 करोड़, उससे भी ज्यादा। तो भाई अब चलते अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर। तो नेक्स्ट मूवी का जो नाम है वो भाई बहुत बढ़िया होने वाला है, पर भाई उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते तो जल्द से जल्द कर दो। तो अब चल लेते हैं अपनी फर्स्ट मूवी की ओर, और भाई जो मूवी है बहुत बढ़िया है और आपने देखी भी होगी, आप पहचान सकते हो कौन सी मूवी हो सकती है, कौन सी मूवी होने वाली है। तो भाई आपको मैं बता देता हूँ ये कौन सी मूवी होने वाली है, आप में से बहुत सारे लोगों ने गैस भी कर लिया होगा। तो भाई जी हाँ गाइस, ये मूवी होने वाली है स्टैंड बाय मी, मतलब फर्स्ट मूवी जिसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया अभी तक, और क्यों नहीं कमाएगी भाई, 3D मूवी है फुल ऑन डोरेमोन की, और भाई सबसे ज़्यादा इनकम भी करी है। अब बात करते हो ये जापान में आई थी 2014 में, और जो बहुत बढ़िया भी थी, और भाई जो मूवी थी फुल ऑन ढांसू मूवी थी, मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट मूवी थी ये। अब बात करते हो इसे जो रेटिंग है वो मिलती है IMDb की तरफ से 7.4/10, और माई एनिमी लिस्ट नेट की तरफ से 8.1, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हो इसने जो इनकम करती वो करी थी 19.44 करोड़, लगभग भाई 20 करोड़ के आसपास ही मान लो, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाया अभी तक इसने। फिलहाल की इस वाली वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर न्यू प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भाई वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को ज्यादा तक कर पाओ, और यार चौम सबको बाय कर दे, टाटा कर दे। तो यार अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो नहीं कर तो जाके जल्दी से कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए भाई बाय, टाटा, सी यू।